नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य को 24 घंटे के भीतर दोहरा झटका लगा है। एक और जहां अतीक के बेटे के खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया है, तो वहीं दूसरे ओर मामले में अतीक के एक करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल में बंद दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। बालू कारोबारी अबू सईद से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अतीक के बेटे अली अहमद समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए बालू कारोबारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर रास्ते में रोक कर उसकी पिटाई की गई थी। 48,000 रुपए छीन भी लिए गए थे। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस रंगदारी मांगने वाले बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। वहीं एक अन्य मामले में माफिया अतीक अहमद के शूटर बल्ली पंडित उर्फ सुधांशु त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी एक झोला बम के साथ गिरफ्तार हुआ है। झोले में 10 अदद देसी बम रखे हुए थे। तमंचा सटाकर ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तारी हुई है और प्रयागराज के चकिया इलाके से गिरफ्तारी हुई है। सुधांशु त्रिवेदी ने बालू गिट्टी के ठेकेदार श्याम पाल से रंगदारी मांगी थी। 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। 20,000 रुपए छीन भी लिए गए थे। और उमेश पाल शूटआउट केस से 5 दिन पहले माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बल्ली पंडित से उसके घर मिलने पहुंची थी। दोनों की मुलाकात का CCTV फुटेज भी शूटआउट के बाद सामने आया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।